गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन। तो बेटा मैं आई हैव सेंट यू टू वीडियोस ऑफ दिस लेसन। हैव यू हर्ड दिस वीडियो? अगर नहीं सुना तो बेटा ध्यान से सुनना है। और लास्ट वीडियो में जो लास्ट टू वीडियोस हैं, मैंने आपको क्या क्या करवाया। फर्स्ट ऑफ सेल, डेफिनेशन ऑफ सेल। डेफिनेशन ऑफ सेल में मैंने आपको बताया सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग बींग, जस्ट लाइक अ ब्रिक्स इन द वर्ल्ड। ठीक है। सेकेंडली मैंने आपको क्या बताया था कि उसका शेप, साइज एंड नंबर। तो सेल की जो शेप होती है और साइज होता है, इट डिफर फ्रॉम ईच अदर। और जो सेल की शेप और साइज, इसका कोई रिलेशन नहीं है उसके मतलब कि वेदर ऑर्गेनिज्म इज लार्जर, जैसे आपका एलिफेंट है या माउस है, कोई इसका रिलेशन नहीं है। इट इज रिलेटेड टू इट्स फंक्शन, ये इसके फंक्शन से रिलेटेड है। ये मैंने आपको बता दिया था। इसके अलावा मैंने आपको बताया था मल्टी सेलर एंड यूनी सेलर। जब बताया था कि मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म दैट आर मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल, और यूनी सेलर दे आर मेड अप ऑफ ओनली सिंगल सेल। इसमें आपको मैंने एग्जांपल बताया था पैरामीशियम, अमीबा। और इसके अलावा बताया था इन यूनी सेलर ओनली सिंगल सेल परफॉर्म ऑल द एक्टिविटीज, और मल्टी सेलर में दे ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म टिश्यू, टिश्यू फॉर्म ऑर्गन्स एंड ऑर्गन्स फॉर्म ऑर्गन सिस्टम। ये मैंने आपको सारा डिटेल में बता दिया था। तो नंबर हो गया, शेप हो गया, साइज हो गई। तो मैंने बताया था कि शेप और साइज इनका कोई रिलेशन उनके ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर या किसी से नहीं है, इट जस्ट रिलेटेड टू फंक्शन। इसके अलावा मैंने आपको बताया था थ्री बेसिक फीचर ऑफ ऑल द लिविंग बींग्स, मतलब जो सेल्स होते हैं उनके लिविंग बींग्स में। फर्स्ट ऑफ ऑल आई टोल्ड यू अबाउट सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेकेंडली मैंने आपको बताया था न्यूक्लियस, और थर्ड आपको बताया था साइटोप्लाज्म। तो जो आपका सबसे पहले है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इट इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग इन एनिमल सेल्स। एनिमल सेल में आउटर मोस्ट कवरिंग है, एंड इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। सेकेंडली मैंने बताया था इट इज़ सेलेक्टिवली परमेबल। सेलेक्टिवली परमेबल का मतलब क्या है? इट अलाउ सर्टेन सब्सटेंस टू एंटर और लीव द, मतलब किसी को भी ये जरूरी नहीं है कि सबको, ये सेलेक्ट करती है विच इज़ हार्मफुल फॉर अस विच इज़ यूजफुल। तो ये मतलब सेलेक्ट करती है और कुछ एक सब्सटेंस को अंदर आने देती है। इन द सेम मैनर कुछ एक सब्सटेंस को ये अलाउ कर देती है कि यू कैन लीव द सेल। तो इट इज़ कॉल्ड एज सेलेक्टिवली परमेबल और सेमी परमेबल। ठीक है। और मैंने आपको बताया था इन प्लांट्स इन एडिशन टू सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन थिक डेड आउटलाइन या यू में से कवरिंग इज प्रेजेंट, दैट इज कॉल्ड एज सेल वॉल। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज इन केस ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स में सेलुलोज की बनी होती है और अगर हम फंजाई की बात करें तो इट इज़ मेड अप ऑफ काइटिन। ये डेड होती है एंड इट इज़ हाईली परमेबल। हाईली परमेबल मीन्स मतलब कोई भी सब्सटेंस एग्जिट करे या कोई भी सब्सटेंस एंटर करे, कोई वो नहीं है, लेकिन फिर भी इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट प्रोवाइड रिजिडिटी एंड मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट्स। ये प्लांट्स को मैकेनिकल सपोर्ट भी देती है और रिजिडिटी भी देती है। इसके बाद सेकेंड मैंने आपको बताया था न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज आल्सो कॉल्ड एज कंट्रोल सेंटर। कंट्रोल सेंटर इसको कहते हैं ऑफ ऑल एक्टिविटीज, क्योंकि हमारी बॉडी में ये एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। ठीक है। सेकेंडली इट वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। मैंने आपको बताया था ना सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक एंड न्यूक्लियस वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो न्यूक्लियस होता है, इसके कौन कौन से पार्ट है? फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और क्रोमोसोम। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इट इज आल्सो कॉल्ड एज न्यूक्लियर एनवलप्स। वैसे आपकी एनसीईआरटी में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही दिया है, तो यू कैन राइट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, इट सराउंड द न्यूक्लियस, और ये मतलब एक डबल लेयर होती है। इन दिस मैनर इट इज अ डबल लेयर मेम्ब्रेन। अब ये डबल लेयर मेम्ब्रेन है। ठीक है। तो इस तरह से ये आपकी मेनली होती है। ये भी बेटा आपकी एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, मैं आपको जस्ट फॉर योर नॉलेज बता रही हूँ। तो देखो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसमें आपको बीच बीच में थोड़ा परफोरेटेड थोड़े छेद नजर आ रहे हैं ना, तो इट इज परफोरेटेड एंड
This perforated structure is called as nuclear pore. This is called as nuclear pores. तो nuclear pore जो होते हैं nuclear membrane में present होते हैं, ठीक है। और इसका काम भी nuclear में ये cell membrane की तरह है। It allow movement of certain material in the in and out of the cell, मतलब in and out of the nucleus. तो जो nuclear membrane है ये इसको सेपरेट करती है, जैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, अब इसके अंदर न्यूक्लियस है तो साइटोप्लाज्मी होता है, तो इसको जो सराउंडिंग है उससे इसको सेपरेट करती है, ठीक है। और ये भी सिलेक्टिवली परमेबल है। दूसरा बेटा आपके चीज देखो, मैंने लिखी है प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल मतलब ये प्रिमिटिव होते हैं, एडवांसमेंट इनमें नहीं होती, लोअर ऑर्गेनिज्म में होते हैं और मेनली यूनिसेलुलर में होते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल नॉन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फॉर्म। जैसे आपका न्यूक्लियस है, मैं भी आपको बताती हूँ, जैसे कि न्यूक्लियस आप यूकैरियोटिक में तो क्या होता है, यूकैरियोटिक में जैसे आपका ये न्यूक्लियस है, ये एक आपके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की साइट है, ये आपका यूकैरियोटिक। और प्रोकैरियोटिक में क्या होता है ये भी बेटा आपके एनसीईआरटी में गिवन नहीं है। जैसे ये आपका न्यूक्लियर मेटीरियल या न्यूक्लियस है तो इसके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो नहीं होती। इट लाइन नेव इन द साइटोप्लाज्म, इट लाइन नेव इन द साइटोप्लाज्म एंड देन इट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोइड। ये इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोइड, ठीक है बच्चों। तो इसको हम ये कहते हैं न्यूक्लियोइड मींस कि देयर इज नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट। तो ये मैंने आपको बताया है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विच हियर पोर्स, ठीक है। और डबल लेयर होती है, सेमी परमेबल होती है। सेकेंड है आपका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो होती है राउंड स्फेरिकल बॉडी, राउंड स्फेरिकल बॉडी इन द न्यूक्लियोप्लाज्म। जैसे हमारा ये न्यूक्लियस के अंदर जो हमारा फ्लूड होता है दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोप्लाज्म। तो न्यूक्लियोप्लाज्म में आपकी मेनली क्या होती है, न्यूक्लियोलस, ठीक है। और न्यूक्लियोलस जो है इट कंटेन आर एन ए, न्यूक्लियोलस कंटेन आर एन ए। इसके अलावा हमारा आता है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। क्रोमोसोम जो है ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले तो ये बात ध्यान रखो, क्रोमोसोम इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर और उसको हम बोलते हैं क्रोमोटिन थ्रेड। ये भी बेटा आपका एनसीईआरटी में सिर्फ इतना लिखा है, क्रोमोसोम इज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर एंड दैट इज कॉल्ड एज क्रोमोटिन थ्रेड। अब इसमें क्या होता है, इसमें होते हैं मेनली जीन। तो क्रोमोसोम इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू जीन। अब जीन क्या होते हैं, आई थिंक यू हैव हर्ड जीन। जीन इज द हेरिडेटरी यूनिट। जीन जो होते हैं मेनली आपके हेरिडेटरी यूनिट होते हैं। अब हेरिडेटरी यूनिट का मतलब क्या होता है, जो पेरेंट्स के करेक्टर हैं वो ये ऑफस्प्रिंग यानी कि बेबी तक पहुंचाते हैं। दे ट्रांसफर द करेक्टर्स ऑफ पेरेंट्स टू देयर यंग वन, तो दैट इज कॉल्ड एज हेरिडेटरी। मींस कि जैसे कोई फादर है वो ही इज लॉन्ग, तो बच्चा भी लॉन्ग होगा। तो एक तरह से जो करेक्टर है ट्रांसफर हुआ ना, अगर मदर है उसका कलर फेयर है तो बेबी का कलर भी फेयर है, तो ये भी एक तरह से ट्रांसफर ऑफ करेक्टर हुआ। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज हेरिडेटरी यूनिट, बिकॉज दे पास फ्रॉम द मदर, बिकॉज दे पास द करेक्टर ऑफ पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। तो जो चाइल्ड होता है इट रिसीव वन कॉपी फ्रॉम मदर एंड वन कॉपी फ्रॉम फादर। तभी तो यही रीज़न है कि वेरिएशन होती है, कुछ करैक्टर उसे फादर से मिलते हैं और कुछ करैक्टर उसे मदर से मिलते हैं, तो एक तरह से इसमें वेरिएशन होती है। तो अब कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है व्हाई क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड हेरिडेटरी मटेरियल, उनको हम हेरिडेटरी मटेरियल क्यों कहते हैं, या हेरिडेटरी व्हीकल्स, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज हेरिडेटरी व्हीकल्स। तो इसका आंसर क्या है, बिकॉज जीन हैव इंफॉर्मेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस करेक्टरिस्टिक ऑफ इंडिविजुअल एंड आर पास्ड फ्रॉम देयर पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज हेरिडेटरी व्हीकल। अब है फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूक्लियस का फंक्शन क्या है, इट एक्ट एज अ कंट्रोल सेंटर फॉर ऑल द एक्टिविटीज ऑफ सेल। पहला तो ये कि इट कंट्रोल द ऑल एक्टिविटी। दूसरा इट ट्रांसमिट, इट ट्रांसमिट एंड स्टोर इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल हेरिडेटरी करेक्टर
फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट, मीन्स की जो करेक्टर को एक जनरेशन से ये दूसरे जनरेशन तक सेंड करते हैं। तीसरा हमारा है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में, तो मैंने आपको बता दिया। प्रोकैरियोटिक मीन्स प्रिमिटिव, जिनमें कोई भी एडवांसमेंट नहीं होती और उसमें नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट एंड न्यूक्लियस लाइक नेट इन द साइटोप्लाज्म देन इट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोइड। और ये मेनली जो प्रोकैरियोटिक होते हैं दे आर मेनली यूनिसेलुलर, और जो यूकैरियोटिक होती है दे आर एडवांस विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड दे मे बी यूनिसेलुलर एज वेल एज मल्टीसेलुलर। वैसे जो यूकैरियोटिक होते हैं यूनिसेलुलर तो कुछ ही कैन एनिमल्स होते हैं, मोस्टली जो यूकैरियोटिक एनिमल्स होते हैं दे आर मल्टीसेलुलर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म इज थिक जेलीलाइक सब्सटेंस। अब जैसे मैंने आपको फिर सेल में बताया था, सेल बना के बताया था आपको, और सेल में आपको जेलीलाइक सब्सटेंस भी बनाया था। जैसे मैंने फिर बनाया था ना सेल आपको लास्ट वीडियो में इस टाइप से, और इसमें मैंने बताया था ये सेल मेंब्रेन है, ये आपका मेन न्यूक्लियस है, ठीक है, और यहाँ पे देखिए विस्कस मेम्ब्रेन दैट इज कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म। ध्यान रखना है कि मैंने आपको लास्ट में बताया था, तो ये मेनली आपका है साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म के बारे में एक बात हो, ऑल केमिकल रिएक्शन, ऑल केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म। जितने भी हमारे रिएक्शन होते हैं दे टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म में कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं दैट इज कॉल्ड एज सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल्स मेनली आपकी क्या होती हैं कि वेरियस अदर कंपोनेंट्स आर ऑर्गेनेल्स दैट आर प्रेजेंट इन द सेल, दीज आर कॉल्ड एज सेल ऑर्गेनेल्स। आज मैं आपको सेल ऑर्गेनेल्स के नाम बता रही हूँ, नेक्स्ट टाइम हम इनका थोड़ा सा डिटेल करेंगे, और हम नेक्स्ट टाइम एक चीज़ और करेंगे डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। प्लांट सेल और एनिमल सेल्स में हम डिफरेंसेस करेंगे, और जो ऑर्गेनेल्स होते हैं दे लाई एम्बेडेड इन द साइटोप्लाज्म। तो फर्स्ट है आपकी माइटोकॉन्ड्रिया, पहला आपका है माइटोकॉन्ड्रिया। बेटा इसमें आपका 10th में जो डिटेल है, 9th में तो इसका डिटेल है, 8th में इतना ज़्यादा डिटेल नहीं है, जस्ट मैं नाम बता के आपको एक या दो लाइन्स बताऊँगी, इससे ज़्यादा आपको नहीं बताऊँगी क्योंकि ज़्यादा डिटेल आपकी इसमें नहीं है। दूसरा है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेकंड इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। थर्ड आपका है गोल्गी अपैरेटस, थर्ड है आपका गोल्गी अपैरेटस। नाम याद रखो बेटा क्योंकि आपके 9th में बहुत काम आने वाले हैं। 8th में माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपैरेटस, लाइसोसोम, ठीक है, लाइसोसोम्स, और इसके अलावा है आपका राइबोसोम्स, ठीक है बच्चों। ये माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपैरेटस, लाइसोसोम, राइबोसोम्स, तो ये जो है दीज ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट इन केस ऑफ एनिमल सेल। एनिमल सेल में ये आपकी ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होती है, और सिर्फ दो ऑर्गेनेल्स होती हैं जो कि प्लांट्स में तो प्रेजेंट होती हैं लेकिन एनिमल्स में नहीं होती। दीज आर प्लास्टिड, प्लास्टिड्स का बेटा आपके में डिटेल है, प्लास्टिड का डिटेल मैं आपको कराऊंगी। सेकेंड है आपका वैक्यूल्स, वैक्यूल्स ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक जो है 3 टाइप्स के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। इनका बेटा ज़्यादा डिटेल नहीं है, घबराओ मत, लेकिन बेटा प्लास्टिक से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम मैंने इनका डिटेल करवाना है, और दूसरा डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, ठीक है बच्चों। ये वीडियो जरूर देखना, बहुत इंटरेस्टिंग लेसन है और आपको थ्रू आउट लाइफ काम आएगा, ओके बच्चों।